कि मैं जस्ट uh, लाइक like कोई भी और लड़का था मैं uh, ये तो वो डायलॉग नहीं बोलूँगा कि मैं पैदाइशी एक्टर बनना चाहता था या एक्टिंग करना चाह रहा था uh, मैं पैदा मुंबई में हुआ था मेरा एक जुड़वा भाई है और हम लोग बॉम्बे से मेरे पेरेंट्स दिल्ली शिफ्ट हुए जब मैं दिल्ली में था तो मैं एक uh, बहुत ही होनहार स्कूल था वहाँ पे सेंट कलम्बस हाई स्कूल तो कलम्बस में छठी कक्षा तक मैं पढ़ रहा था वहाँ पे एंड दिस द सेम स्कूल और सेम क्लास में शाहरुख खान जी भी थे तो हम लोग सारे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उस टाइम पे uh, उसी स्कूल में मेरे पिताजी भी पढ़ते थे एंड वो दिल्ली में बहुत ही मशहूर स्विमर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से तो बहुत ही यंग एज से मैं और मेरे भाई दोनों स्विमिंग करते थे uh, मेरे पेरेंट्स डिवोर्स होने वाले थे सो एट द एज ऑफ 11 दोनों मेरे भाई और मैं एक बोर्डिंग स्कूल चले गए थे लॉरेंस स्कूल सनावर जो शिमला में के पास है कसौली के पास आई थिंक दैट वाज वन ऑफ़ द बेस्ट थिंग्स जो मुझे हुआ था फैंटेस्टिक uh, इयर्स थे मेरे लिए ये वही स्कूल है जहाँ से संजय दत्त हमारे सीनियर थे uh, अपूर्वा लाखिया मुझसे एक साल जूनियर था Uh, जो फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं बहुत ही होनहार डायरेक्टर हैं एंड पूजा बेदी इज़ अनदर एक्टर जो मुझसे एक साल जूनियर हैं एंड काफ़ी लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए उसी स्कूल में थे बट बहुत ही स्ट्रिक्ट मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल था बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था एंड uh, अभी हाल ही न्यूज़ में uh, इसी स्कूल के पाँच बच्चे माउंट एवरेस्ट चढ़ के द देंगे स्टूडेंट्स और द यंगेस्ट पीपल जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ के हैं तो आई एम वेरी प्राउड टू बी यू नो फ्रॉम द सेम एलम आए फिर आ, उसी दौरान में आ, हम लोगों के एक्सचेंज प्रोग्राम स्कूल से होता था मेरे भाई और मुझे मौका दिया गया था आफ्टर द टेंथ स्टैंडर्ड कनाडा टोरंटो में एक्सचेंज स्टूडेंट की तरफ से जाने के लिए लेकफील्ड कॉलेज स्कूल था टोरंटो से 125 मील दूर बेस्ट uh, एक्सपीरियंस था कोई नौ महीने के लिए हम लोग uh, एक साल के लिए एक्सचेंज के लिए हम लोग गए थे पढ़ने के लिए uh, यहाँ के दो बच्चे मेरे स्कूल में मेरे परिवार के साथ रह रहे थे हम लोग उनके परिवार के साथ रहते थे फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था स्कूल करने के बाद मैं एज एन एक्सचेंज टीचर चला गया था स्कॉटलैंड में जहाँ प्रिंस चार्ल्स एंड प्रिंस एंड्रूज पढ़ते थे एंड uh, फिर मेरा भाई यू एस चला गया एमबीए करने के लिए और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा था स्कूल uh, में थोड़े से स्कूल प्लेस करता था लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाऊँगा uh, दिल्ली में रहते हुए बहुत ही एक होनहार डिज़ाइनर था लेट एटीज़ में जिनका नाम रोहित खोसला था ज़ दैट टाइम बहुत ही एडवांस्ड uh, बहुत ही होना डिज़ाइनर uh, था इंडिया में इतने सारे डिज़ाइनर इंटरनेशनल रेप्यूट के नहीं होते थे एट दैट टाइम गिने चुने तीन चार होते थे और उन दिनों में फ़ैशन इंडस्ट्री में पांच या छह ही uh, कोरियोग्राफर्स होते थे गिने चुने छः सात ही बड़े एडवरटाइजिंग कंपनी होते थे uh, लेट एटीज़ में मिड एटीज़ एंड लेट एटीज़ में तो उस डिज़ाइनर ने मुझे कहा कि वाई डोंट यू स्टार्ट मॉडलिंग तो मैंने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया कि यू नो आई एम गुड आफ़ टू मॉडल या इस करियर को मैं लेता हूँ तो मैंने कुछ मॉडलिंग वहाँ पे करना शुरू किया एंड विद इन आई थिंक ट्वेंटी डेज़ उसके साथ शूट करने पे ही हेमंत त्रिवेदी जी जो सबसे जाने माने डिज़ाइनर एंड कोरियोग्राफर थे वो मुंबई से दिल्ली आए थे वो मेरे को बॉम्बे लेके आए मुझे फैशन शोज़ दिए तो विद इन वन ईयर ऑफ मॉडलिंग और मेरी मदर यूनिसेफ़ के लिए काम करती थी उनका एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया था सैवी मैगज़ीन में भट्ट साहब ने वो आर्टिकल पढ़ा था एंड भट्ट साहब उस आर्टिकल से काफ़ी प्रभावित हुए थे और वो आर्टिकल पढ़ने के बाद एडिटर उस मैगज़ीन से उन्होंने कहा कि वो मेरी माताजी से मिलना चाहते थे बॉम्बे में मेरी माताजी थी तो वो लोग मिले एंड uh, उन्होंने मेरा मेरे फोटोग्राफ्स देखे थे uh, मेरे मदर ने दिखाए हुए थे कि दीजा माइसानस वगैरह तो उन्होंने पूछा कि क्या ये बेटा तेरा फिल्मों में काम करेगा तो माय मदर सेड यू हैव टू आस्क हिम क्योंकि मेरा ख्याल से वो ज़्यादा हिंदी फिल्में देखते नहीं हैं और दैट इज़ वॉट माई मदर टोल्ड मी एंड uh, मैं दिल्ली से आया था बॉम्बे उसी टाइम पे जब मेरी मदर थी यहाँ बॉम्बे में वो तो काम के सिलसिले में थे और मैं भी बॉम्बे आया हुआ था उस टाइम पे तो आई रिम्बर मेरी मदर वो मीटिंग करके जब आई थी uh, काम वाम उनका यूनिसेफ से करके उन दिनों में शी यूज टू गिव अ लॉट ऑफ यूनिसेफ़ की फ़िल्में बनती थी तो शी न्यू अ लॉट ऑफ दीज फिल्म डायरेक्टर्स तो उन्होंने कहा आई मेट द ग्रेट महेश भट्ट एंड बहुत ही इंटलेक्चुअल बहुत ही अच्छे इंसान हैं तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम करोगे हिंदी फिल्में तो मैंने कहा ज़रूर मैं मिलना तो चाहूँगा बट वॉट इज़ यू ऑफरिंग तो उन्होंने कहा तुमको मिलना पड़ेगा बच्चे तो मैं उन दिनों चर्च गेट में रहता था विच इज़ इन द टाउन पार्ट ऑफ मुंबई तो उन दिनों में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता था एंड चर्च गेट सेंटा क्रूज़ में एयरपोर्ट होता था और मैं चर्च गेट और क्रूज से कभी आगे बैंड्रा जूहू ये सब जगह मैं कभी गया ही नहीं था तो भट्ट साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने कहा देखिए ये सेकंड संडे आ रहा है मेरी छुट्टी है तो तुम आ जाओ जहू मिलने के लिए और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सोचता था ये सेकेंड संडे क्या हर संडे तो आता है ये सेकेंड संडे ये फिल्मी भाषा क्या है और ये जूहू कहाँ पर है एनी anyway, मैं टैक्सी लेकर के मैं गया और बहुत ही लंबा ड्राइव था मैं तो सोचा कि बॉम्बे के बाहर चला गया हूँ मैं एंड फिर भी उनका घर ढूंढा और मुझे याद है उनके घर पे जब मैं एंटर किया तो सोनी जी मिली मुझे उन्होंने दरवाज़ा खोला था एंड भट्ट साहब मिले एंड बहुत ही अफेक्शनेट इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान उन्होंने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत एक पिताजी की तरह वो मेरे को पेश आए और मुझे लगा कि मुझे इस इंसान के साथ बहुत कंफर्ट मिलेगा कि मैं पूरे ईमानदारी से अपने करियर को इस इंसान के हाथों में डाल सकता था मुझे कोई झिझक नहीं थी कि मैं भरोसे के साथ इनके साथ काम कर सकता था क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाता हूँ मना कहा सर बट फिल्म की कहानी क्या है कैसे करेंगे तू छोड़ दे लव स्टोरी है मेरी लव स्टोरी है हम लोग करते हैं तो पहले ही बीस मिनट में यह तय हो गया था कि मैं उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ अब बात रही कि मैं अपने पिताजी को कैसे समझाऊँ मुकेश जी आए मुकेश जी से मेरी मुलाकात हुई भट्ट साहब के भाई उन्होंने कहा चलो फिल्म कर रहे हैं तो फिर वहाँ से एस फोन करके मेरे पिताजी को दिल्ली में बताया तो मेरे पिताजी हंसने लगे अब तू फिल्म लाइन में जा रहा है कि अच्छा कितने दिन की छुट्टी चाहिए तो मैंने भट्ट साहब से पूछा कितने दिन की छुट्टी मांगूँ मैं बिकॉज उन दिनों में मैं फादर की कंपनी में काम करता था तो भट्ट साहब हंसने लगे कहने लगे तेरे को बॉम्बे शिफ्ट होना होगा थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा एंड शूटिंग तो कम से कम 45 डेज 50 डेज का लगेगा तो फिर मैंने डैडी को बोला कि तीन चार महीने जाएगा तो डैडी ने कहा चल तू बॉम्बे दिल्ली आ जा फिर उसके बाद प्लान करते हैं वगैरह तो ये सब बातें हो गई और मेरे को याद है मैंने भट्ट साहब से पूछा पैसे कितने दोगे तू मुझे क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ये सब खर्चा कौन करने वाला है कि मेरे को डैडी से मांगना पड़ेगा तो मुकेश जी हिल गया कहने लगा एक तो करियर बना रहे हैं तेरे को एक्टिंग दे रहे हैं फिल्म दे रहे हैं तो अजीब आदमी है तू तो पैसे पूछ रहा है कितना ले रहा है तो मैं कहा चलो ठीक है वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन तो एनी anyway, वे फिर मैं दिल्ली गया डैडी से बात की उन्होंने कभी रोका टोका नहीं मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि यू you नो know, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रोक रोका नहीं मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यू नो बहुत मेरे पिताजी वगैरह ने कि अगर फ्लैट खरीदना है तो शिफ्ट करना चाहता है बट मैंने डैडी को उसी टाइम बोल दिया था कि नहीं फ्लैट व्ट नहीं लेते हैं क्योंकि अभी तो पहली फिल्म है हमको मालूम नहीं है कि क्या होगा पिक्चर बनेगी रिलीज़ होगी क्या होने वाला है तो आई शिफ्टेड आ, मैं बॉम्बे आया बहुत अच्छे दिन थे मेरे को याद है बॉम्बे में मैं बैंड्रा में शिफ्ट हुआ एक पीजी जिसे कहते हैं पेइंग गेस्ट के तौर से पाली हिल में शिफ्ट किया उन दिनों में तो खैर इतना महंगा नहीं होता था तीन हज़ार रुपये में हमको कमरा मिल जाता था पाली हिल जैसी जगह पे बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा वहाँ पे कबीर उसके साथ मैं रहता था सिर्फ हम दोनों थे और वहाँ से मैं ऑटो रिक्शा ले करके जहाँ पर भी भट्ट साहब शूट करते थे उन दिनों में वो डैडी फिल्म बना रहे थे पूजा भट जी एक्टिंग कर रहे थे एंड अनुपम खेर साहब वॉज द फर्स्ट सो कॉल स्टार एक्टर जिससे मेरी मुलाकात हुई थी तो वन आई यूज टू सेट मेरे को सिर्फ बुलाया जाता था और मैं चुपचाप वहाँ पे बैठ करके देखता था क्या शूटिंग चल रही है एंड uh, मुझे कोई आभास नहीं था अनुभव नहीं था कि लोगों का रिएक्शन क्या था मेरी तरफ़ बिकॉज़ uh, मैं किसी भी एंगल से फिल्मी नहीं लगता था किसी भी एंगल से आईडेंट लुक अ कन्वेंशनल हिंदी फिल्म हीरो मेरे बाल लंबे थे मेरा स्टाइल थोड़ा अलग था एंड भट्ट साहब मेरा ख्याल से मुझे जानबूझ के बुलाते थे बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी कि लोगों का रिएक्शन क्या है ही वॉज़ मैं कहता हूँ जब मैं याद रखता हूँ ही वॉज़ पोजेसिव ही वॉज़ प्रोटेक्टिव एंड सिर्फ जो उनके निजी करीब की जो कोठरी होती थी लोगों के खैर साहब और कई लोग जो उनके साथ थे अवतार गिल जो उनकी कोठरी उन दिनों में होती थी ये लड़के के साथ फिल्म बना रहा हूँ ही वॉज़ वेरी क्लियर एंड देन गुलशन कुमार जी के साथ उनकी बात हुई एंड नदीम शावन जी आए उनके साथ बात हुई एंड कहानी स्टार्ट बनने लग गई कि ये कहानी बनाना शुरू हो गया एंड uh, अब तक कोई डिसीशन नहीं था कि लड़की कौन होगी मेरे ऑपोजिट अज्यूम किया गया था उस टाइम पे कि पूजा जी विल कंटिन्यू आफ्टर डैडी एंड शी वुड बी द गर्ल ऑपोजिट मी एंड आशिकी फिर uh, रोशन तनेजा जी के क्लासेज में मैं गया आई थिंक फॉर अबाउट टू वीक्स और थ्री वीक्स किया मैंने कुछ क्लासेस कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर फिर uh, शूटिंग का टाइम आया शूटिंग के लिए मैं तैयार था अभी तक हम लोगों पर क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सी लड़की करेगी मेरे ऑपोजिट Uh, पूजा जी आफ्टर डैडी उस टाइम पे उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं कोई भी फिल्म नहीं करना चाहती मैं थक गई हूँ मेरे को नहीं करना वगैरह शी वॉजन क्लियर कि वो करना तो फिर दुविधा थी कि कौन करेगी मेरे ऑपोजिट एंड अनु अग्रवाल के साथ मैं कहीं फ़ैशन शोज़ कर चुका था फैशन कर चुका था लेकिन uh, अभी तक तय नहीं हुआ था दैट यू नो वेदर इट वुड बी हर या कोई मॉडलिंग इंडस्ट्री से होंगे मुझे याद है कि uh, थोड़ा बहुत नर्वस था पहले दिन जब मैं शूटिंग आ, करने वाला था रीमा लागू जी का जो रोल था आ, मेरी माँ का वो कैरेक्टर जो था कि अटल है प्यारी औरत है लेकिन अपने असूलों से नहीं हटती है वो कैरेक्टर काफ़ी कुछ मेरी माता के साथ आ, मिलता जुलता था तो इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी एज एन एक्टर टू रिलेट टू हर जब मैं काम कर रहा था तो पहला सीन उन्होंने कहा कि हम लोग वो करेंगे जब तुम घर में एंटर करते हो और तुम्हारी माँ सूटकेस फेंक रही है और तुम्हारे पिताजी के कपड़े मैं सबसे आसान सीन आप निकाल करके करते हो सब चीज़ें तो आ, मुझे याद है कि जूहू में किसी का फ्लैट था और हम लोग शूट कर रहे थे और पहला यही था कि मेरे को एंटर करना है और मैं कैमरा की तरफ देखता हूँ और कह रहा हूँ माँ माँ तो यू नो के फिर काउंटर शॉट्स लेने थे और नर्वस था सवेरे नौ बजे की शिफ्ट थी सात बजे मैं चला गया था भट्ट साहब को मिलने तो भट्ट साहब जूह में चला गया फिर जूह में उनके साथ उन्होंने शॉट वॉट सारा रेडी किया घर पे ही बैठे सब तैयारी में और मेरे को कुछ पता नहीं था कि कितने लोग ये मोहरत शॉट के लिए आ रहे हैं कुछ तो हम लोग गए एंड मेरे को बोला तू भारी वेट कर मैं अंदर जाता हूँ सब देखता हूँ एंड देन मेरे को बोला माइंड ब्लॉकआउट कर ले कौन है कितने लोग हैं लोग चाहते हैं कि तुम फेल हो एज एन एक्टर दे वांट यू टू फेल बट यू नॉट कम टू फेल यू कम है एक काम करने के लिए हो एंड ऑलवेज ओवर द ईयर मैंने उनके साथ पाँच फिल्में की हैं मेरी खुशकस्मती है कि मैंने उनके साथ की है विद हिम पर्सनली एज अ डायरेक्टर ही एज अन बींग एज अ डिरेक्टर ही इज फैंटेस्टिक फॉर एन एक्टर वो मेरी ही न्यू मी एज अ पर्सन तो नोइंग मी एज अ पर्सन जब मेरी ग्रोथ शुरू हो रही थी एज एन एक्टर या एज अन बींग ज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल तो मेरी मेरी नसों से वाकफ़ थे कि कि मेरी आवाज़ के सुर को पकड़ करके वो जान जाते थे अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या मैं चीटिंग कर रहा था या मैं क्या ही कुड अंडरस्टैंड में एक जैसे एक फेमिलरिटी होती है यारों और दोस्तों के बीच में तो ही कुड अंडरस्टैंड अक्रॉस द रूम के ये लड़का अनकम्फर्टेबल है या ये लड़का ठीक है या ये ईमानदारी से शॉट दे रहा है दैट कंफर्ट लेवल वाज देयर तो मेरे को बाहर ही रखा एंड ऑल आई रिम्बर इसके उन्होंने बोला स्टार्ट कैमरा स्टार्ट साउंड एक्शन और मैंने एंटर किया और मैंने शॉट दिया और मैं पूरे शॉट के अंदर घुस गया था एंड मैंने सेड माँ उसके बाद जब मैंने माँ बोला तब मैंने देखा कि बाप रे तकरीबन 150 पीपल आए इन दैट छोटे से कमरे में सब मेरी तरफ़ देख रहे हैं कि ये लड़का कैसे शॉट देने वाला है उसके बाद मुझे आभास हुआ तो ही ओके डेट बट मेरे को दो और टेक्स करने थे आई हैव टू डू इट देन मुझे आभास हुआ कि कितने लोग आए वगैरह बट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई एज एन एक्टर एंड इट्स बेन एन इंटरेस्टिंग जर्नी आई मीन जब भी याद करता हूँ मुझे अच्छी तरह याद है काफ़ी इंसिडेंट्स मुझे याद हैं आई लर्न एक्टिंग बोलो फिल्म का पैशन समझो ये सब चीज़ें आशिकी फिल्म के दरमियान सब शुरू हुआ था आए मैंने तब तक तय नहीं किया था कि ये फिल्म लाइन ही मेरी लाइन होगी मैं बहुत प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से आता था समझता था कि क्या करूँगा एज एन एक्टर नहीं हूँ अगर नहीं हुआ था तब भी मैं सोचता था कि आई ऑलवेज हैड फैमिली बिजनेस टू गो बैक टू ये तो एक चीज़ में मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ कभी ऐसा नहीं था कि बस ये नहीं होगा तो मैं लुट जाऊँगा मर जाऊँगा आई नेव अ थाट लाइक दैट बट जब मैंने ये एक्टिंग करते करते वो पैशन ग्रो होने लगा कि नहीं अब जब कर रहा हूँ कदम ले लिया है तो आई वॉन्ट दिस टू बी सक्सेसफुल तब वो चस्का घुसने लगा मुझे